नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल फूक चुका है, साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी तारीखों की घोषणा भी कर दी है, जिसके तहत अब पंचायत चुनाव के आयोजन में तेजी आ गई है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए अधिसूचना के बाद से ही पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। वहीं अब पहले चरण को लेकर होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। जैसा कि आप सबको पता है कि पंचायत चुनाव के पहले चरण का आयोजन 24 सितंबर से होने वाला है। ऐसे में किन किन जिलों में पंचायत चुनाव का आयोजन होना है और खासकर कि किन किन प्रखंडों में चुनाव का आयोजन होना है, इन सब की जानकारी हम आज आपको अपने इस वीडियो में देने वाले हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में कुल मिलाकर 10 जिलों में चुनाव का आयोजन होने वाला है, जिसमें कुल मिलाकर 12 प्रखंडों को शामिल किया गया है। साथ ही पहले चरण के लिए 2119 मतदान केंद्र को चिन्हित किया गया है, जिसके लिए 1609 मतदान भवनों को चुना गया है, जिसके तहत बिहार के कैमूर जिले के कुदरा, रोहतास जिले के दावत, संझौली, गया के बेलागंज, खिजरसराय, नवादा के गोविंदपुर, औरंगाबाद के औरंगाबाद, जहानाबाद के काको, अरवल के सोनभद्र, वंशी, सूर्यपुर, मुंगेर के तारापुर, जमुई के सिकंदरा, बांका के धौरैया में मतदान होंगे। वहीं नामांकन की बात करें तो पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया अगले महीने यानी कि 2 सितंबर से शुरू होने वाली है, जो कि 8 सितंबर तक जारी रहेगी। यानी कि उम्मीदवारों के पास 2 से 8 सितंबर के बीच नामांकन करने का समय होगा, जिसके बाद आएगी स्क्रूटनी की बारी। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार किए गए नामांकन की स्क्रूटनी की अंतिम तारीख 11 सितंबर को निर्धारित की गई है। स्क्रूटनी के बाद योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों को चिन्हित किया जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवारों के पास नाम वापस लेने का मौका होगा, जिसके तहत नाम वापस लेने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार 13 सितंबर तक नाम वापस ले सकते हैं। जिसके बाद जिन उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया वो तो चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने नाम वापस नहीं लिया है और जो चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पात्र माने गए हैं, उन्हें चुनाव चिन्ह 13 सितंबर को आवंटित किए जाएंगे। उसके बाद 24 सितंबर को मतदान का आयोजन करवाया जाएगा। जैसा कि चुनाव आयोग ने पहले ही चुनाव आयोजन के तुरंत बाद मतगणना की बात कही है, ऐसे में पहले चरण की मतगणना 26 और 27 सितंबर को होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में वर्तमान समय में बाढ़ की मार है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने यही कोशिश की है कि पहले चरण में उन जिलों के प्रखंडों को ही शामिल किया जाए जो बाढ़ से प्रभावित नहीं है। ऐसे में पहले चरण में कुछ ही प्रखंडों में पंचायत चुनाव का आयोजन होने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग की यही कोशिश कि पंचायत चुनाव का आयोजन आम जनता की सहूलियत को ध्यान में रखकर रखा जाए। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।